नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। आपको सीधे कुल्लू लिए चलते हैं जहां पर पीएम मोदी इस वक्त कुछ संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद लोगों से बात भी करेंगे, संबोधित करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने हिंदुस्तान पर हैं, वो बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें हैं। पहला ऐसा मौका जब देश के प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा में, दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और ये देखें, रथ भी वहां पर अब पहुंच चुका है। इसी रथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर बाद खींचते हुए नजर आएंगे। दरअसल कुल्लू का जो दशहरा है वो अपने आप में बेहद खास और बेहद अलग भी है, क्योंकि यहाँ पर दरअसल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन नहीं होता है। यहाँ पर दरअसल रथ यात्रा निकाली जाती है और इसी रथ यात्रा में, इसी कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुल्लू में पहुंचे हुए हैं। भगवान रघुनाथ जी की ये रथ यात्रा है, दर्शन इसके करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि इस रथ को खींचेंगे भी, इस रथ यात्रा में वो शामिल होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं हिमाचल के कुल्लू से ये सीधी तस्वीरें और ये भव्य झांकी, भव्य रैली। दरअसल आपको बता दें कि देवी देवताओं की झांकियां निकलती हैं इस ऐतिहासिक और इस सबसे ज्यादा लोकप्रिय कुल्लू दशहरा रैली में। आपको बता दें कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, कुल्लू के भगवान रघुनाथ जी की अध्यक्षता में जो दशहरा की शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस शोभा यात्रा की तस्वीरें, विहंगम दृश्य नजर आ रहा था आपको तस्वीरों में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको देखते हुए इस अलौकिक नजारे का लुत्फ उठाते हुए। आपको बता दें कि जो ये कुल्लू का दशहरा है, 372 साल से भगवान रघुनाथ की अध्यक्षता में ये मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि देवी देवताओं की झांकियां निकलती हैं और दशहरा उत्सव समिति की ओर से हर साल की तरह इस बार भी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। कुल्लू के साथ खरहाल, उजी, घाटी, बंजार, सैंज, रूपी वैली के सैकड़ों देवी देवता दशहरा की झांकियां यहां पर शोभा बढ़ाने के लिए पहुंच चुकी हैं। दिलचस्प ये है कि ब्रह्म सराज अग्नि निर्मंड के देवी देवता 200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके दशहरा में पहुंचते हैं, ये मान्यता है। और ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में इसका इस वक्त ये आयोजन हो रहा है, जिसके साक्षी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और पहली बार ऐसा है कि देश का प्रधानमंत्री कुल्लू की इस ऐतिहासिक दशहरा रैली में पहुंचा हुआ है, जिसका इतिहास 372 साल पुराना है। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर हिमाचल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री मोदी हैं और अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं लगातार, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है। और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार वहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे पहाड़ी रंग रूप में आप उनको देख सकते हैं और हिमाचल के मुख्यमंत्री उनके साथ नजर आ रहे हैं। और अब आप देखिए, ये जो रथ यात्रा है, जो शोभा यात्रा, ये भगवान रघुनाथ की नगरी सुल्तानपुर से, मंदिर से निकलकर ऐतिहासिक ढालपुर रथ मैदान तक जाएगी और ये भव्य शोभा यात्रा जिसमें खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और अब तस्वीरें नजर आ रही नीचे की तरफ, इस वक्त आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, और ये लगातार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जी हिंदुस्तान पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे कुल्लू से। कुल्लू में इस वक्त मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग, हालांकि ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा है उसमें भी लोग पहुंचे और इस बार खास इसलिए भी हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वहां पर पहुंच रहे हैं। भीड़ आप देखिए, इसके बड़ी पौराणिक ऐतिहासिक मान्यता है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ऊपर से जब वो नीचे जो वहाँ पे श्रद्धालु हैं वो लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि शोर ज़्यादा है, हाथ हिलाकर वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए ये शोभा यात्रा, और इसकी खासियत है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं और अब ये जो ऐतिहासिक ढालपुर रथ मैदान तक शोभा यात्रा अब जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर वहाँ पर पहुँचे। सीधी तस्वीरें आप देखिए कुल्लू दशहरा ग्राउंड से, जहाँ पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये बहुत पौराणिक इसकी मान्यता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी की खासियत, लोगों से वो कनेक्ट होते हैं मकसूद, और सभी का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं वो। बिल्कुल, जो खास आमंत्रित थे वहाँ पर, वो कुछ ही लोग वहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि राज परिवार के सदस्य भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस पूरी रघुनाथ जी की यात्रा के छड़ी को संभालते हैं, छड़ी बरदार जिन्हें कहा जाता है। ये
चूंकि लगातार आप डिटेल देख रहे हैं और तस्वीरें भी देख रहे हैं, देखिए अब नीचे की तरफ मुझे लगता है कि वो अब रघुनाथ जी का रथ चूंकि वहां पर पहुंच चुका है तब वहीं पर दर्शन करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए कुल्लू में जो परंपरा बहुत पहले से रही है, ये माना जाता है कि देव मानस मिलन इस परंपरा को कहा जाता है, और इसी परंपरा के तहत में इस बार पीएम मोदी कुल्लू पहुंचे हुए हैं। और कुल्लू दशहरा में सबसे पहले देव मानस मिलन की परंपरा जो रही है, ऐसे मान्यता है कि घाटी के सभी देवता भगवान रघुनाथ को अधिष्ठा मान करके इस दशहरा उत्सव में हिस्सा लेते हैं, और यहाँ का आकर्षण रघुनाथ जी की रथ यात्रा को ही माना जाता है। और उसी रथ यात्रा को आज खुद खींचते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी, और जिसमें कि देवी देवता भी साथ चलते हैं रघुनाथ जी के रथ को खींचने के लिए, सौभाग्य भी माना जाता है। प्रिया सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तमाम अपडेट दे रही है। प्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए और लोगों में जोश और उत्साह गजब का दिखाई दे रहा है। प्रिया, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए और स्थिति यह है कि वहां पर जब प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं किसी कार्यक्रम में किसी स्थल पर, तो वहां पर कई तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, कई तरह के जैमर्स होते हैं और इसलिए कई बार संपर्क नहीं हो पाता है ठीक से। प्रिया लगातार वहां पर इस आयोजन में मौजूद है, वहां की अपडेट्स दे रही है, उसकी कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए आप, तस्वीरें देखिए और इसकी खास अपने आप में अहमियत भी हो जाती है। एक अहमियत तो इसकी पौराणिक है, इसकी धार्मिक अहमियत है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरी अहमियत इसकी राजनीतिक और सियासी भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस वक्त विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, और इसी के साथ इस दौरे के साथ ही यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया है और 3,650 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रदेश भर को दे रहे हैं। बिलासपुर में इससे पहले उन्होंने एम्स की सौगात दी, इसके अलावा बकायदा एक्सप्रेस वे की भी वो सौगात देने वाले, और इस आयोजन में पहुंच करके भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल सऊद, और इस मौके पर वो विपक्षी पार्टियों इससे पहले की सरकारों पर निशाना साधना भी नहीं भूले हैं, लगातार उनके निशाने पर रहे। प्रिया से बात करने की हम कोशिश करेंगे। प्रिया, मेरी आवाज़ अगर आप सुन पा रही हो तो ताज़ा सूरत हाल वहाँ से जानना चाहेंगे आपसे। जी प्रिया, चलिए कोई बात नहीं, दशहरे के मौके पर वहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, और प्रिया हमारी सहयोगी लगातार वहाँ से आपको अपडेट पहुंचा रही थी कि किस तरीके से तैयारी, और अब जब कार्यक्रम शुरू हो चुका है वहाँ पर वो हैं। तस्वीरें आप देखिए, और प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे, और ये पहला ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक दशहरा कुल्लू दशहरा में। और प्रिया हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रिया, ऐतिहासिक क्षण है और इसके गवाह खुद प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, और क्या तस्वीरें आप दिखा रही हैं दर्शकों को बताइए। प्रिया, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो जरा दिखाइए वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि हलचल हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लोगों से कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। प्रिया, कृपया ध्यान दीजिए, एक सूचना है किसी बहन का, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं वहां से सीधी तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और देखिए ग्राउंड जीरो पर जी हिंदुस्तान की टीम पहुंची हुई है, वहां से पल पल की अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखिए कई तरह की स्थितियां होती हैं जब प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जाता है या फिर प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में होते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से बकायदा कई तरह के जैमर्स भी होते हैं, और इस तरह की सिचुएशन में कई बार सीधे लाइव कनेक्ट कर पाना मुश्किल भरा हो जाता है, और इसीलिए प्रिया वहां से सीधी जो आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं वहां तक वहां का हाल नहीं बता पा रही, लेकिन हम यहां स्टूडियो से इन तस्वीरों को आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अच्छा इसके बारे में एक खासियत ये भी है कि यहाँ जिससे हम लोग दिल्ली में दशहरा मना रहे हैं, वहाँ पे दशहरे के बाद से मतलब आज से ये शुरू होगा और करीब 11 तारीख तक ये चलेगा, चलता रहेगा, और ये इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरे देश से अलग अलग दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं इस ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा को देखने के लिए। सुरभि, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर जगह जब रामलीला का आयोजन होता है तो दशहरा के वक्त में यानी विजयदशमी के दिन पर रावण दहन होता है, लेकिन कुल्लू एक ऐसी मात्र जगह है जहां पर रावण दहन नहीं होता, यानी कि किसी प्रकार का
कोई पुतला नहीं जलाया जाता है। चूंकि ये उत्सव देव मिलन के तौर पर मनाया जाता है और इसलिए लोग एक दूसरे से मिलते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ सदियों से रावण का पुतला जलाने के बजाय प्रतीक के तौर पर झाड़ियों को जलाया जाता है। बड़े स्तर पर मेले का आयोजन भी किया जाता है और ऐसे में जो पीएम मोदी इस बार खुद वहां उपस्थित है और इस बार वो खुद भी इस रथ यात्रा में रथ को खींचते हुए भी नजर आएंगे। और फिलहाल देखिए ये तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त हिमाचल मिशन पर है और साथ ही आज विजयदशमी का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में विजयदशमी के उपलक्ष में ही रथ यात्रा और इस मेले में भी शामिल हुए हैं। तो रथ यात्रा की खींचने का इंतजार पीएम मोदी के और उनके संबोधन का भी इंतजार है। आने वाले वक्त में दो प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने, एक गुजरात एक हिमाचल प्रदेश। नवरात्र के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रहे, दो दिनों का दौरा किया और अब दशहरा के मौके पर, चूंकि कुल्लू का दशहरा भी बहुत पुराना है, करीब 350 साल से ज्यादा पुराना, 372 साल अगर सालों के लिहाज से हम देखें तो, और इस दौरान दोनों ही जगहों पर, दोनों ही प्रदेशों को लेकर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दोनों प्रदेशों के लोगों को दी है। चले प्रिया से हम बात करने को, प्रिया मेरी आवाज सुन पा रही हो तो आप बताएं अपडेट। बिल्कुल, देखिए यहाँ इस वक्त मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं। इस कुल्लू दशहरा में जो परंपरा है इसमें शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद रघुनाथ जी की रथ को देखा आपने किस तरीके से जो हिमाचली वेशभूषा है उससे सुसज्जित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच से नीचे उतर करके आए थे और ये ग्राउंड लोगों से भरा था, पटा पड़ा था। अब लोग धीरे धीरे वापस जाने शुरू हो चुके हैं क्योंकि रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा है उसकी रवानगी हो चुकी है, उसके साथ साथ जो देवी देवता है उनकी भी यहाँ से रवानगी चुकी है। और ये तस्वीरें इस वक्त मैं इसी दशहरा ग्राउंड की आपको दिखा रही हूं, इसी दशहरा ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। देखिए हर जगह एलईडीज भी लगाए गए थे ताकि प्रधानमंत्री को जो लोग मंच से करीब से नहीं देख पा रहे उन तक नहीं पाए, देखिए कि क्या कार्यक्रम हो रहा है। और ये पूरा अभी इस वक्त आपको जो थोड़ा बहुत खाली भी ग्राउंड नजर आ रहा है, लोगों से इतना पटा पड़ा था कि अंदर आने तक की जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी लोगों की। मंच पे जब प्रधानमंत्री आए तो लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे भी, संबोधन भी उनका होगा, लेकिन चूंकि मौका उससे अलग था, प्रधानमंत्री आए थे कुल्लू वासियों से, उन्होंने पहले बिलासपुर में संवाद कर लिया, जब एम्स की सौगात कुल्लू वासियों को, देखिए हिमाचल वासियों को उन्होंने दी है, तो पूरे हिमाचल के लोगों से उन्होंने संवाद किया, संबोधन किया था और बताया था कि कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार आगे काम कर रही है। संबोधन सुनने को मिले, लेकिन प्रधानमंत्री आए, देखिए यहाँ खड़े थे तकरीबन 15 मिनट तक, मंच से बाहर की तरफ निकल करके आए, लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन भी किया, कुछ लोगों से बातचीत भी थोड़ी बहुत की उन्होंने, हालांकि मंच के ऊपर से ही नीचे क्योंकि प्रोटोकॉल्स की वजह से वो नहीं आए, लोग मंच तक बिल्कुल थे और ठीक मंच के बिल्कुल आगे आकर के प्रधानमंत्री खड़े थे, उनके ठीक बगल में जयराम ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े थे जिनसे बातचीत भी हुई। हालांकि हर तरह सबका हाथ वादन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हर किसी के बीच में मौजूद थे और हर किसी एक चेहरे पे अलग खुशी एक अलग मुस्कान जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो वही उनका हाव भाव होता है और वही आज यहाँ पर भी देखने को मिला, हर कोई इस पल को कैमरे अच्छा में प्रिया ऐतिहासिक क्षण है ये। प्रधानमंत्री मोदी कहा जाता है कि पहली बार वहां पर पहुंचे और इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का वो गवाह भी बने, वहां से रथ यात्रा आगे के लिए निकल चुकी है, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, कहा जाता है कि भाई देश नहीं बल्कि दुनिया से लोग भी आते हैं इस कुल्लू दशहरा को देखने के लिए। वही चीजें मैं बता रही हूं कि किस तरीके से यहां पर हजारों हजार की अगर संख्या में भीड़ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ कुल्लू के लोग यहां पर नहीं है, यहां से हिमाचल प्रदेश के ही तमाम लोग नहीं है, देश भर के अलग अलग राज्यों की कुल्लू जाता है, खास उस जाती है कि जितनी देवी देवता हैं जिन्हें पहले निमंत्रण दिया जाता है, कहते हैं ये कि देवलोक से आज वो इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और रथ यात्रा में शामिल होना, मानिए उनका आशीर्वाद, आप जो रथ यात्रा निकली है उसके पीछे पीछे तमाम देवी देव और 7 दिनों तक ये देवलोक नहीं जाते, 7 दिनों तक जो ये देवी देवता है वो यही इसी कुल्लू में अलग अलग जगहों पर विराजमान रहेंगे, पूजा पाठ होगी, लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहेगा, तो
कुछ इस तरीके से खास हो जाता है ये पूरा जो आप इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो सवाल आपने पूछा था कि ये दशहरा कितना खास हो जाता है, तो जल्दी माइक के पास है, लाइव दे रही हूँ यार, तुम फोन कर रहे हो। बिल्कुल, तो चलिए रघुनाथ जी की रथ यात्रा वहां से आगे के लिए रवाना हो चुकी है। प्रिया ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से जब ये रथ यात्रा शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर पहुंचे थे और उस वक्त आप देखिए हजारों की संख्या में भीड़ थी। अब ये रथ यात्रा आगे की तरफ अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ चुकी है और ये मान्यता है कि करीब 1000 देवी देवता यहां तक रहते हैं और करीब एक हफ्ते तक यहां पर उनका वास होता है और 11 अक्टूबर तक अब आगे ये कार्यक्रम रहेगा। तो लगातार प्रिया वहां पर देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और प्रिया देखिए इसका जो है अपने आप में ऐतिहासिक महत्व तो है ही है, लेकिन इस पूरे आयोजन में इसके पीछे कहा जा रहा है कि इसका अपने आप में सियासी महत्व भी बहुत है। फिलहाल देखिए जी जी प्रिया, बिल्कुल देखिए सऊद, क्योंकि बात अगर आपने सियासत की है तो आज दशहरा में यहां कुल्लू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला, आए लोगों के बीच अभिवादन उनका स्वीकार किया, हाथ हिला नहीं, ये चीज दर्शाता है कि ये सिर्फ आए हुए से इस उत्सव में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री यहां आए हुए थे जिस परंपरा के लिए कुल्लू जाना जाता है, जहां की दशहरा पूरे विश्व में मशहूर है, उसमें शामिल होने के लिए, ना कि कोई भी ऐतिहासिक बात यहां से कोई भी राजनीतिक बात करने के लिए आज के दिन, क्योंकि आज बिलासपुर में वो मौजूद थे, एम्स की सौगात उन्होंने हिमाचल को दी और उसी बिलासपुर से उन्होंने तमाम जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की राज्य सरकार की वो भी गिनवाते वो नजर आए। उन्होंने बताया कि ये एम्स कितना महत्वपूर्ण था इस पूरे हिमाचल के लिए, उन्हें इलाज के लिए था या तो चंडीगढ़ जाते थे या फिर दिल्ली का रुख करते थे, तो एम्स में चाहे शिक्षा की देखिए हिमाचल में शिक्षा या फिर स्वास्थ्य की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री ने दी है। इसके अलावा तमाम बातें जो थी वो उन्होंने कहा और देखिए जो ट्रेडिशनल म्यूजिक भी बजाते नजर आए थे प्रधानमंत्री और उन्होंने कहा कि इससे शानदार जो रण का आगाज है और रणभेरी नहीं हो सकती जो उन्होंने बजाया है। तो इशारों इशारों में ये चीजें भी उन्होंने बिलासपुर से जब संबोधित कर रहे थे लोगों को तो ये दर्शा दिया था कि ये शंखनाद हो चुका है चुनाव का और यहां पर डबल इंजन की सरकार है तो कैसे विकास की डबल रफ्तार भी है हिमाचल में। लेकिन जब वो यहां पर आए तो सिर्फ आज इस दशहरा में शामिल और शरीक होने के लिए आए हुए थे, भगवान रघुनाथ की यहां पर उन्होंने जो रथ यात्रा है वहां पर शरीक होने के लिए आए हुए थे, जो परंपरा है उस परंपरा को वो देख रहे थे कि क्या ट्रेडिशन है, किस तरीके से संस्कृति यहाँ की क्या कुछ है। लगातार जयराम ठाकुर हो या अनुराग ठाकुर हो उन्हें इन चीजों के बारे में जानकारी भी दे रहे थे, जो पाल की जो भगवान की यहाँ पर ढोली आई हुई थी, रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा निकलने वाली थी उससे पहले जो रथ सजा करके रखा हुआ था एक अलग बड़ा भव्य और दिव्य नजारा था उसके बारे में वो जानकारी ले रहे थे। हालांकि आए और रघुनाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हुए वापस चले गए ऐसा भी नहीं उन्होंने किया, जब लोगों के बीच थे क्योंकि वो जानते हैं जहां भी वो जाते हैं लोगों में किस तरीके का जोश होता है, लोग कितने उत्साहित होते हैं, तो वो कम से कम 20 मिनट तक उसी मंच पे विराजमान थे और वहीं बैठे हुए थे। वो बाहर आकर के लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे करके भी से, तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यहाँ से देखने को मिली। और एक बात तो तय है कि देखिए हिमाचल में चुनाव है, चुनावी शंखनाद भी प्रधानमंत्री ने बिलासपुर से आज कर दिया और बिलासपुर में एम्स की सौगात भी हिमाचल को दे दी है। आज शिक्षा रोजगार इन तमाम मुद्दों का जिक्र भी उन्होंने किया और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जी जी बिल्कुल स्थिति यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया, वहां से कोई संबोधन नहीं दिया लेकिन उस कार्यक्रम में पहुंचे, उस कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों से मुलाकात की, इसी से अपने आप में एक वो संदेश देकर चले गए और जब बिलासपुर में थे तो वहां पर वो संबोधित भी करते नजर आए थे। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां रुकना होगा लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं।